हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है फिजियोलॉजी का, वो है हमारा आयरन मेटाबॉलिज्म। आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में भी पढ़ेंगे और आप फार्मा में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो आयरन मेटाबॉलिज्म का है। अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को समझना है तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आयरन का मेटाबॉलिज्म, यानी कि हम जब कोई भी फूड इंटेक करते हैं उसमें जो आयरन होता है वो हमारे गट से होते हुए पूरा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या हमारी बोन मैरो तक किस तरीके से पहुंचता है, क्या क्या उसके बीच में पाथवे आते हैं, किन किन रास्तों से उसे होकर गुजरना पड़ता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हमें आयरन मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो आयरन क्या है, आयरन हमारा क्या है, मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है बॉडी के लिए। तो आयरन जो है हमारा बॉडी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है। ठीक है, और टोटल बॉडी में जो हमारे आयरन होता है वो 3 to 4 ग्राम होता है, 3 से 4 ग्राम, यानी कि बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमारे बॉडी के लिए मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है और उसके साथ साथ ये 3 से 4 ग्राम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिर जो 3 से 4 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है, ये जो हमारा आयरन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, 65% ये होता है हमारे हीमोग्लोबिन में। आपको पता है कि जो हमारी आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करता है। उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका पार्ट होता है वो होता है हमारा आयरन। तो 65% जो बॉडी के अंदर जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। बाकी स्टोरेज होती है, 30% जो स्टोर होता है वो होता है फेरेटिन के रूप में, फेरेटिन के रूप में स्टोर होता है। आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से, जो कि लीवर में होता है, हमारे स्प्लीन में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, अब उसके साथ साथ क्या होता है कि 4% जो बाकी बचा है वो हमारा होता है मसल्स के अंदर, मसल्स में होते हैं हमारे मायोग्लोबिन्स, तो मायोग्लोबिन्स के रूप में क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन था और ये इसकी परसेंटेज थी या कितनी मात्रा में होता है। अब देखिए इसका कैसे करके क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म या एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब हम कोई भी फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें जो है आयरन 3 तरीके से होता है, हो सकता है, एक तो हो सकता है हीम के रूप में, किस रूप में, हीम के रूप में हो सकता है आयरन, हीम आयरन हो सकता है, या फिर हो सकता है ये फेरिक के रूप में, किसके रूप में, फेरिक के रूप में हो सकता है, या फिर फेरस के रूप में हो सकता है। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फूड जो इनटेक करते हैं उसमें आयरन 3 टाइप से हो सकता है। पहला हो सकता है कि हीम के रूप में, जिसमें कि हीम मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि हम कोई भी नॉन वेज कोई भी चीज़ खाएंगे, मीट खाएंगे, चिकन खाएंगे, तो उस चिकन के अंदर क्या होगा, क्योंकि वो एक एनिमल की बॉडी का पार्ट है, तो उसमें फ्री आयरन कम मिलेगा, बल्कि और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, हमें हीम आयरन मिलेगा, क्या मिलेगा, हीम के रूप में कनेक्ट रहेगा। और हीम आयरन मैंने आपको बताया, जैसे कि पहली वीडियो में एक स्ट्रक्चर है, उसमें हीम आयरन किस रूप में रहता है, एफ ई बीच में सेंटर में होता है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये हीम आयरन हो गया। फिर हमारा आयरन हो सकता है किसके रूप में, ये हो सकता है फेरिक के रूप में, Fe3+ के रूप में हो सकता है, हो सकता है हमारा Fe2+ यानी कि फेरस की फॉर्म में भी हो सकता है, 3 फॉर्म में ये हो सकता है। ठीक है, तो हमने इनटेक किया फूड में 3 टाइप से हमारा आयरन हो सकता है, पॉसिबल होगा। अब क्या होगा, हमने फूड इनटेक किया, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, फिर स्टमक में जाके क्या हुआ, हमारे जो इंटेस्टाइन है उसका जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम वाला पार्ट, तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारे किस में होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, किसके, इंटेस्टाइन के। हमने इसको इनटेक किया आयरन को हमने इनटेक किया, खाया उसको किसी भी फूड के फॉर्म में, उसके बाद क्या जाएगा, ये सीधा जाएगा हमारी इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा, और इंटेस्टाइन की जो वॉल है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी इसकी इपिथेलियल सेल्स होती हैं, किस में, ड्यूडेनम में, तो इसमें जाएगा, ये फूड गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है। अब इसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे किस तरीके से होगा इसको हम जानेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे इसको जूम कर दिया है, ये हमारी ड्यूडेनल इपिथेलियल सेल है, मतलब इसका जो बहुत ही छोटा वाला पार्ट है, ऐसे करके ये इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, जूम करके इसको दिखाया कि यहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है। अब देखिए, आपने अगर चिकन खाया है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर क्या है, आयरन जो है हीम के फॉर्म में प्रेजेंट है,
किस फॉर्म में है, हीम के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगर हीम के फॉर्म में प्रेजेंट है आयरन, ये देखिए मैंने यहाँ बना दिया, ये रहा हमारा Fe, ठीक है। अगर ये हीम के फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिसेप्टर लगा होता है, इसे बोलते हैं हम हीम रिसेप्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ से हीम रिसेप्टर से क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। और एक जानने वाली बात है, जो उसके अंदर आयरन होता है वो किस रूप फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है, Fe2+ के रूप में, ठीक है। चलो हमने अगर हीम के फॉर्म में लिया, हमने चिकन खाया तो चला गया, लेकिन अगर हम वेज चीज़ें खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो वेजिटेरियन है, या कोई सप्लीमेंट हमने लिया, तो उसमें क्या होता है, ये Fe3+ या Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जैसे ये Fe3+ के रूप में अगर यहाँ आ गया, हमने इसको इनटेक कर लिया, यानी कि फेरिक के फॉर्म में अगर ये आ गया, तो फेरिक के फॉर्म में क्या होता है, ये डायरेक्ट हीम वाला तो इसके अपने रिसेप्टर से एंटर कर जाएगा, लेकिन फेरिक आयरन जो है वो डायरेक्ट चैनल को क्रॉस नहीं कर पाता, इसको चैनल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसके लिए कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। Fe3+ को Fe2+ यानी कि फेरस फॉर्म में अगर ये कन्वर्ट होगा तभी ये इसके अंदर एंटर कर सकता है। क्या कर सकता है, अगर जो हमारा आयरन है अगर ये फेरिक फॉर्म में है तो उसको पहले फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तभी ये क्या कर सकता है, इसको क्रॉस कर सकता है। और जो हीम वाला आयरन है उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो सीधा उसका रिसेप्टर होता है, हीम रिसेप्टर वो सीधा उसके अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना आराम से आएगा, चला जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसे है, Fe3+ को है, और Fe3+ को क्रॉस करने के लिए Fe2+ में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, हमारी जो एपिथेलियल, इसमें जो एपिथेलियल की जो वॉल है, यहाँ पे ये हमारी विलाई हो गई, ये हमारा हीम रिसेप्टर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, हमारा ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी, यहाँ पे क्या होता है, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, इसको ये जो हमारा फेरिक आयरन होता है इसको क्या करेगा, फेरिक को Fe3+ का रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देगा, किसमें, Fe2+ में, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये जो हमारा ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी, इसका नाम है ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी, ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी क्या करता है, इसको इसका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। जैसे इसका रिडक्शन हो जाएगा, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे क्या करेगा, ये यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसे बोलते हैं डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, क्या बोलते हैं इसको, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। तो ये क्या करता है, Fe2+ को क्या करता है, यहाँ से क्रॉस करा देता है, Fe3+ यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा, Fe3+ इसमें क्रॉस नहीं करेगा, इसलिए हमने उसको Fe3+ को पहले हमने साइटोक्रोम बी के द्वारा इसका रिडक्शन करा के इसको क्या कराया, Fe2+ में कन्वर्ट कराया, उसके बाद डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे एक चैनल होता है, इसके थ्रू इसने क्या किया, इसको क्रॉस कर जाएगा, क्या कर जाएगा, क्रॉस Fe2+ हमारा क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, इसको अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक रही कहानी कि हमने फूड को एंटर किया, थ्री फॉर्म में हो सकता है, अच्छा जो Fe2+ की फॉर्म में, उसे कोई दिक्कत नहीं, वो डायरेक्ट अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो हीम वाला हीम ट्रिप्स इस रिसेप्टर से चला जाएगा, लेकिन Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट होना पड़ेगा, जिससे हमने साइटोक्रोम बी के द्वारा कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये जो ड्यूडेनल के एपिथेलियल सेल है, इसके अंदर क्या होगा, आयरन जमा होना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, आयरन Fe2+ के रूप में। लेकिन जो Fe2+ के फॉर्म में होता है ये फ्री नहीं रह सकता, अगर ये Fe2+ के रूप में फ्री रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो क्या करती है इसके अंदर सेल हमारी, इसको कन्वर्ट कर देती है वो किसमें, फेरिटिन की फॉर्म में, किसमें कन्वर्ट करेगी इसको, फेरिटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये इसके फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर होने लग जाएगा, क्या होगा, स्टोर। ये एक कॉम्प्लेक्स होता है, किसका, आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है, जुड़ जाते हैं बहुत सारे आयरन, जमा हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, ये प्रोटीन होता है फेरिटिन, इसके अंदर सब आयरन चिपक जाते हैं और एक जगह पे स्टोर हो जाते हैं, किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, फेरिटिन की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फेरिटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे से जो आयरन आया इस पे, ये भी Fe2+ ही था, हीम के फॉर्म में था, ये भी इसमें क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जो भी हमारे पे आयरन होगा वो यहाँ स्टोर हो जाएगा,
कुछ स्टोर हो जाएगा और कुछ हमारा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ स्टोर हो गया, अब क्या होगा, जैसे ही हमारे सेल एपिथेलियल सेल है उसके बाद क्या होगा, इसको आयरन को आप कहाँ जाना है, यहाँ से जाना है उसको कहाँ पे, हमारी ब्लड के अंदर जाना है, ब्लड वेसल में जाना है भाई, उसको स्टमक की ड्यूडेनम की जो वॉल है वहाँ तो उसको जमा रहना नहीं है, वहाँ पे तो उसका कोई काम नहीं है, उसको कहाँ जाना है, हमारे ब्लड में जाना है। ब्लड में जाने के बाद उसको हीमोग्लोबिन बनाना है, आरबीसी फॉर्म करनी है, बहुत से उसके और भी वर्क हैं वहाँ पे, उसको यूटिलाइज करना है हमें। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये जो हमारा एफ ई टू प्लस है, ठीक है, एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट हुआ, अब ये एफ ई टू प्लस जो है ये हमारा किसको क्रॉस करेगा, ये हमारा ये एक चैनल है, इसको क्रॉस करते हुए निकल जाएगा, इस चैनल का नाम होता है फेरोपोर्टिन। क्या होता है, क्या होता है हमारा फेरोपोर्टिन, ये हमारा एक चैनल है, इसको क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा तो एफ ई टू प्लस। अब एफ ई टू प्लस क्या होता है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता, एफ ई टू प्लस डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकता, आयरन को ब्लड में भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एफ ई थ्री प्लस में अब इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जो इसको कन्वर्ट कर देता है, इसका नाम है हमारा हिफेस्टिन। क्या नाम है इसका, हिफेस्टिन, ध्यान से सुनना, इसका नाम है हिफेस्टिन, और यहाँ पे था साइटोक्रोम बी जो कि इसका रिडक्शन कर रहा था, और अब हमारा हिफेस्टिन इसका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। अब ये एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या किया जाएगा, ब्लड में छोड़ दिया जाएगा, इसके बाद क्या हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अब ब्लड में चला गया उस जगह पे तो रहना ही नहीं, जहाँ से घुसा हो उसी जगह पे स्टेबल तो रहेगा नहीं, अब उसको पूरी बॉडी के अंदर क्या करना है, सर्कुलेशन करना है। जैसे कि हमें कहीं जाना है तो हम क्या करेंगे, किसी गाड़ी की सहायता से, किसी की कार की या प्लेन की सहायता से हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में या पूरे हमारे वर्ल्ड में क्या करेंगे, हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो आयरन है, फेरिक आयरन है, इसको ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे एक होता है प्रोटीन, इसे बोलते हैं ट्रांसफेरिन। क्या होता है, यहाँ पे होता है ट्रांसफेरिन, ये इस तरीके से बना होता है, इसमें एक बार में एक ट्रांसफेरिन क्या होता है हमारा, दो आयरन को क्या कर सकता है, दो एफ ई मॉलिक्यूल को, फेरिक मॉलिक्यूल को ले जा सकता है, किसको, दो फेरिक मॉलिक्यूल, यानी कि टू सीटर गाड़ी है, ऐसी कार है जिसमें सिर्फ दो बंदे आगे फ्रंट सीट पर बैठ सकते हैं, और दो लोगों को ये क्या करता है, ट्रैवल कराता है। अब क्या होगा, ये फेरिक, यहाँ फेरिक आयरन यहाँ आ गया, ये ट्रांसफेरिन पे जाके अटैच हो गया, अब ट्रांसफेरिन इसको क्या करेगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी, ठीक है। अब क्या करता है, इसमें कई दो कंडीशन होती हैं, पहला तो हमारा आयरन जाता है, हमारा जाता है सीधा कहाँ पे, लगभग 70% 70% जाता है हमारा कहाँ पे, बोन मैरो में, किस में जाएगा ये, बोन मैरो में, क्योंकि सबसे मेन जो काम आयरन का होता है वो होता है हीमोग्लोबिन को बनाना, ये सबसे उसका मोस्ट 90% जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन या आरबीसी का फॉर्मेशन करना, ताकि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर आराम से हमारे कर सके। तो 70% लगभग जो आयरन होता है वो हमारा कहाँ जाता है, बोन है हमारी, बोन मैरो के अंदर चला जाएगा। अब बोन मैरो में जब दे जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, ये ट्रांसफेरिन गया, यहाँ पे एक ट्रांसफेरिन बोन मैरो के अंदर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, TFR, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर यहाँ पे होता है, उस पर अटैच हो जाएगा ये, फिर क्या होगा, ये एफ ई थ्री प्लस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा बोन मैरो के अंदर, ठीक है। अब बोन मैरो के अंदर क्या हो गया, ये रिलीज हो गया, तो बोन मैरो के अंदर रिलीज हो गया तो इससे क्या हमारा होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन हो जाएगा, क्या होगा, आरबीसी बन जाएगी, ठीक है, आरबीसी बन गई इसमें। अब आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 दिन होती है। अब 120 दिन के बाद क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आरबीसी को तोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आयरन फिर से फ्री हो जाएगा, फ्री आयरन क्या होता है, दोबारा से हमारी ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। अब ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन होती है बाकी जितना बचा होता है हमारा आयरन, लगभग 20% वो जाता है हमारे लीवर के अंदर, क्या जाएगा, लीवर में जाएगा। अब लीवर भी क्या करता है, इसको फेरिटिन के फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पे भी इसका, यहाँ पे भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर लगा होता है, यहाँ से अटैच होगा इसके अंदर, फिर क्या होगा, ये हमारा फेरिटिन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टोर होने लग जाता है, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टोर होगा, फेरिटिन के, फेरिटिन के फॉर्म में ये स्टोर होगा, फेरिटिन के फॉर्म में होगा, या फिर
पहले तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, फेरिटिन बनेगा, हो सकता है कि एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए जिसको हम बोलते हैं हीमोसिड्रिन। किस रूप किस फॉर्म में हो सकता है? हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में। यहाँ पे भी ये हीमोसिड्रिन की फॉर्म में क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगा? बोन मैरो में आरबीसी में नहीं, आरबीसी में डिस्ट्रक्ट होकर आयरन जो बचेगा वो वापस आ जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या होगा? ये फेरिटिन की फॉर्म में या हीमोसिड्रिन की फॉर्म में क्या हो सकता है? यहाँ पे ये हमारा स्टोर होने लगता है। जैसे ही अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए ब्लड प्लाज्मा, हमारा जो ब्लड का प्लाज्मा है उसके अंदर क्या होगा, अगर आयरन की डिफिशियंसी होगी तो ये जो हमारा फेरिटिन होता है फिर से ये टूट के क्या होगा, आयरन रिलीज होता है इसमें, फिर ब्लड की जो नॉर्मल वैल्यू है, जो उसमें प्लाज्मा में जो आयरन की वैल्यू है उसको नॉर्मल करेगा, नॉर्मल कंसेंट्रेशन को उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होता है, लीवर जो होता है हमारा एक एंजाइम, एक हार्मोनी एंजाइम आप बोल दीजिए, वो रिलीज करता है, उसका नाम होता है हमारा हेप्सिडिन। हेप्सिडिन क्या नाम होता है इसका? हेप्सिडिन, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, हेप्सिडिन। ये होता है हमारा हेप्सिडिन, ये हमारे लीवर से रिलीज होता है। अब ये हेप्सिडिन क्या करता है हमारा, ये क्या करता है इसको, ये जो हमारा फेरोपोर्टिन जो चैनल था इसको क्या करता है, ब्लॉक करने का काम करता है। किसका काम करता है? इसको ब्लॉक करने का काम करता है। हेप्सिडिन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हेप्सिडिन लीवर से निकलेगा और लीवर से निकलने के बाद ये फेरोपोर्टिन जो चैनल है इसको ब्लॉक करेगा। अगर ये चैनल ब्लॉक हो गया तो क्या आयरन अंदर आएगा, अंदर ब्लड के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मेन काम क्या है, ये हमारा जो है आयरन की जो होम्योस्टेसिस है या आयरन का जो कंसेंट्रेशन है ब्लड के अंदर उसको बैलेंस रखता है। अगर फेरिटिन हीमोसिट्रिन बहुत ज़्यादा लीवर के अंदर जमा हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो उसके बाद ये क्या करता है, आयरन और ज़्यादा बॉडी के अंदर ना आ पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयरन बॉडी के अंदर आ गया तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। तो उसको रोकने के लिए क्या करता है, ये एक प्रोटीन या एंजाइम कह सकते हैं इसको, रिलीज करता है। ये हेप्सिडिन क्या करता है, यहाँ जाने के बाद इस चैनल को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। क्या करता है, चैनल को ब्लॉक कर देगा। तो चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो आयरन आना हमारा क्या हो जाएगा, उसी परसेंटेज के हिसाब से, जितना ज़्यादा आयरन हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा हेप्सिडिन रिलीज होगा और इस चैनल को ब्लॉक करेगा और उसको क्या करेगा, आयरन के जो कंसेंट्रेशन है उसको क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, उसको बैलेंस करने का ये काम करेगा। अब जितना ज़्यादा हेप्सिडिन उतना ही कम आयरन अंदर आ पाएगा। अब क्या हुआ, किसी को मान लीजिए एनीमिया हो गया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गया, तो हेप्सिडिन का लेवल क्या होगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो ये चैनल खुले रहेंगे तो आयरन बहुत ज़्यादा अंदर आ सकता है। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में ये हेप्सिडिन बढ़ेगा, तो क्या होता है कि कई बार जो क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गई किसी को, मान लीजिए कैंसर है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो बहुत क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक जो बीमारियाँ होती हैं या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती हैं, तो उसमें इंटरल्यूकिन सिक्स निकलता है। ये इंटरल्यूकिन सिक्स क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है, लीवर में जाने के बाद हेप्सिडिन को स्टिमुलेट करेगा। अब इंटरल्यूकिन सिक्स इसको स्टिमुलेट करेगा तो ज़्यादा हेप्सिडिन बनेगा और ज़्यादा हेप्सिडिन बनेगा तो ये फेरोपोर्टिन को ब्लॉक करेगा। तो आपने देखा होगा जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के जो भी पेशेंट होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के, कैंसर के, तो उसमें आपको एक प्रकार का माइल्ड, ज़्यादा सीवियर भी नहीं, एक माइल्ड एनीमिया उनमें देखने को मिलता है। आप ट्यूबरक्लोसिस में देखिए, आप कैंसर में देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है उसमें देखिए, तो उन सभी में क्या मिलेगा आपको, एनीमिया देखने को मिलता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया आप कह सकते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। उसका जो बहुत बड़ा रीज़न है वो होता है हमारा इंटरल्यूकिन सिक्स। और इंटरल्यूकिन सिक्स क्या करता है, हेप्सिडिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और हेप्सिडिन क्या करता है हमारा फेरोपोर्टिन को ब्लॉक करता है, जिससे आयरन अंदर नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आयरन मेटाबॉलिज्म का जो हमारा लेक्चर था, इसमें हमने क्या क्या जाना कि हमारा आयरन एक एसेंशियल पार्ट है, कितना आयरन हमारी बॉडी में होता है, किस किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट बॉडी के अंदर रहता है और कैसे हमारे अंदर ये जाएगा। हमने फूड को इंटेक किया, उसके बाद हमारा फूड से आयरन गया, आयरन थ्री फॉर्म्स में हो सकता है, उसके बाद ये किस तरीके से हमारे ब्लड तक और हमारे ब्लड से लेके हमारे बोन मैरो और लीवर तक किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वो है हमारा एसिड। जो स्टमक में एसिड होता है वो हमारा आयरन के एब्जॉर्प्शन में या उसके रिडक्शन में
जो हमारा Fe3+ है उसको Fe2+ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो एसिड क्या करेगा, हमारा हेल्प करेगा। तो ऐसी विटामिन सी हम बोलते हैं, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी एक प्रकार का एसिड है। तो एसिड क्या करेगा, इसमें जो भी एसिड होगा अगर वो क्या करेगा, हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। या फिर हो सकता है मीट, हम मीट खाते हैं तो जब चिकन हम खाते हैं तो क्या होता है, बॉडी के अंदर जो हमारा स्टमक है उसमें बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होता है, तो फिर वो एसिड क्या करेगा, हमारे इसके आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब क्यों, कौन सी ऐसी चीज़ जो इन्हांस करेगी, जो उसमें रुकावट डालेगी, एसिड का उल्टा क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो जो भी बेस वाली चीज़ें होंगे, बाइकार्बोनेट्स जो भी होंगे होंगे, वो क्या करेंगे, हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को में बाधा डालेंगे, उसके एब्जॉर्प्शन में हमारे क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो भी स्टमक में कोई भी या फिर इंटेस्टाइनल डिजीज होती है, उसमें हमारा आयरन का क्या होगा, हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमारा ये आज का जो टॉपिक था वो हमारा फिनिश हो गया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हमारी जो है पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।